हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन प्री टीच में, इंडियास ऑनलाइन प्री टीच। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं का चैप्टर 5 सहायक बहुवन, जो कि पूर्णतः उधार लेन देन की बही होती है। यहाँ पर आप नगद को नहीं लिखते, तो अगर मैंने उधार लिखा है तो आपको याद रखना है क्या नहीं लिखना है। नगद को नहीं लिखना है और संपत्ति को नहीं लिखना है। दो चीज़ों का क्रय इसमें शामिल नहीं होता, एक नगद और एक संपत्ति। बाकी माल से संबंधित जो आप क्रय विक्रय करके बेच रहे हैं उसे संबंधित आप समस्त चीज़ों को लिख सकते हैं, लेकिन संपत्ति और नगद की एंट्री यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या 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 बही हमको पढ़ना है ये जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मुख्यतः हमें पढ़ना होता है क्रय बही, फिर हमें पढ़ना होता है विक्रय बही, ठीक है, फिर इनकी वापसियाँ, तो क्रय वापसी, विक्रय वापसी, ठीक। तो ये चार मुख्य होते हैं। इसके बाद और भी बही हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्या, इससे पहले हमने एक इसका वीडियो अपलोड कर दिया है पार्ट 1, जिसमें हमने क्रय बही को समझ लिया था, जिसमें नॉर्मल प्रश्न, जीएसटी के आधारित प्रश्न, ऐसे हर तरह के चार प्रकार के इसके जो प्रश्न होते हैं मैंने बना दिया है, वो आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जा करके देख सकते हैं। आज हम विक्रय बही पढ़ेंगे। विक्रय की नॉर्मल बही, बट्टे पर आधारित बही, जीएसटी पर आधारित बही, ये पूरा का पूरा आज हम देखेंगे ये पार्ट 2 में, ठीक है। तो पार्ट 1 में आपको मैंने ये पूरा समझाया था, क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट हुआ था हमारा विक्रय बही, क्वेश्चन नंबर 5 से। तो विक्रय बही मैंने वहीं पर छोड़ दिया था क्योंकि वीडियो लंबा भी हो गया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें स्पष्ट लिखा है विक्रय बही तैयार कीजिए। करना क्या होता है, देखिए कॉलम बड़ा सिंपल है, दिनांक, विवरण, एनओसी नंबर, उसको बीजक क्रमांक कह सकते हैं, ठीक है, नाजी क्रमांक कह सकते हैं। उसके बाद खाता पृष्ठ है, विस्तार राशि, फिर शुद्ध राशि, इंग्लिश में डेट, पर्टिकुलर, एनओसी नंबर, एलएफ, डिटेल अमाउंट और नेट अमाउंट, ठीक। अब लिखना कैसे है, तो ध्यान देना है नगद को नहीं लिखना है और संपत्ति को नहीं लिखना है। तो सबसे पहले राधे को माल विक्रय किया, आप तारीख लिखेंगे 2006 1 मार्च, आप लिखेंगे राधे, ठीक है, आप श्री राधे भी हिंदी में लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ राधे। विस्तार राशि में लिखेंगे आप 500 रुपये, लेकिन अगर इसमें कोई कटमट नहीं हुआ है तो आप उसको सीधा नेट अमाउंट में लिख सकते हैं, शुद्ध राशि में अगर नहीं है तो, लेकिन है तो आपको यहाँ दर्शाना होता है। आप चूँकि इसमें कुछ भी कार्यविधि नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे में, दूसरा हमारा नयन को माल बेचा 10% में पारी कटौती पर 1500 रुपये का माल, माल बेचा है 1500 का लेकिन कटौती है 10%। तो ऐसे चीज़ों को आप पहले विस्तार में लिखते हैं, तो आप लिखेंगे नयन का नाम, 2 मार्च 2 तारीख है, तो 2 मार्च को हमने नयन का नाम लिखा, सामने में लिखा 1500 का माल बेच रहे हैं तो 1500, नीचे में व्यापारिक पट्टा घटाना होता है तो आप लिखेंगे घटाया, लेस का मतलब क्या होता है, घटाया 10% व्यापारिक बट्टा, है ना, तो ट्रेड डिस्काउंट उसको बोलते हैं। 1500 का 10% कितना होगा, 150 होगा। निकालना कैसे है तो देखिए, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, 1500 का 10% निकालना है तो आप 1500 × 10/100 लिखेंगे, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 150 रुपये बचा, यही आपका ये 10% है। घटाने के बाद आपका आएगा 1350, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से तो आपको ये प्रश्न बनाना होता है। हाँ, कुछ बच्चे पहली बार आए होंगे तो आप देख लीजिए, ये बेसिक होता है निकालने का, ट्रिकी मेथड भी है इनका। ट्रिकी मेथड ये है, जिस भी संख्या का 10% निकालना है उसकी लास्ट संख्या गायब कर दो, खासकर अगर वो 0 है तो फिर ये जो 150 दिख रहा है ना, यही आपका आंसर है, ठीक, समझ आया। तो इस तरह से तो आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है, ठीक। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये दिख नहीं रहा होगा, छोटा दिख रहा होगा, तो चलिए हम आपके लिए इसको जूम कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये आराम से दिखे, कोई भी दिक्कत ना हो, हम अपने आप को छुपा लें पर आपका आंसर नहीं, ठीक। तो ये नयन वाला समझ में आया। उसके बाद अगला क्या है जो कि इसमें गायब है, तो अगला हम देखते हैं, अगला है हमारा कमल को माल बेचा 2500 रुपये का, रीमा को माल बेचा 500 रुपये का, रोहन को नगद बेचा, तो रोहन को तो लिखेंगे ही नहीं, नगद है, ठीक है, तो बाकी तो पूरा लिखा होगा ना, देखते हैं। तो कमल को बेचा है तो कमल को 2500 सीधा लिख देंगे, रीमा को बेचा है तो रीमा को लिख देंगे, लेकिन ये जो कैश में बेचा गया है ना, नगद बेचा गया है, उसको नहीं लिखते,
तो ऐसे चीज़ों को आप अपने कॉपी में पुस्तक में काट के रख लीजिए, क्योंकि इसको लिखना ही नहीं है, क्योंकि ये नगद है। ठीक है, तो बस चार चीज़ों का एंट्री हुआ, सबको जोड़ेंगे तो 2500 और 500 3000, हाँ 3000 हुए, 3 और 1 4850, तो ये 4850 रुपये हुआ। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। ठीक, फिर इसको डिटेल से बनाएंगे भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, पहले इस कन्वर्ट को हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, निम्न सूचनाओं के आधार पर विक्रय भी तैयार कीजिए। अब ये उसे अलग कैसे है, हम जानेंगे डिफरेंस कैसे है। ठीक है, तो डिफरेंस ये है, वहाँ पर एक व्यक्ति का नाम था, एक राशि था, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है लेकिन तीन अलग अलग सामान दिया है और उनके अलग अलग अमाउंट है। ठीक है, तो मेमर्स रश्मि एंड कंपनी को 10% व्यापारिक बट्टे की शर्त पर माल बेचा। रेशमी कपड़ा बेचा 200 रुपये, ऊनी कपड़ा बेचा 400 रुपये, सूती कपड़ा बेचा 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद है 15 तारीख को मैसर्स मीनाक्षी क्लॉथ स्टोर को 1500 रुपये बारीक बट्टे पर माल बेचा, उसमें उसको भी रेशमी कपड़ा, यूनी कपड़ा, सूती कपड़ा बेचा है। अब करना क्या है, देखो सिंपल सी बात है, तीनों को आपस में प्लस कर दो तो 400, 200, 600, 600 या 700 रुपये होगा। ठीक है, 700 का आपको क्या करना है, 10% निकालना है। 10% मतलब एक संख्या गायब, तो सिर्फ 70 ही होगा। अब घटा दो दोनों को, तो 10 में 7 जाएगा 3, इसने एक दिया था तो 6 हो गया, तो 6 का 6 630 निकला पहला, ये आप करेगा शुद्ध अमाउंट में 630 रुपये। ठीक है बच्चों, इसी तरह से दूसरा का निकालना है, तो दूसरा कितना हो रहा है जोड़ के देखो, तो दूसरा हो रहा है 200 200 400 500 मिला के 900। 900 का 15% निकालना है, 2 0 से 2 0 कटा, 15 निया 135, 15 धाम 150, 135 घटाएंगे 900 में से, तो 5 बचा 6 बचा 7 बचा, कैसे आया। तो देखो 0 में 5 तो घटेगा नहीं, इससे एक उधारी ये लेगा फिर इसको एक देगा, तो ये 10 है, 10 में से 5 जाएगा 5, ये 10 होने के बाद एक दिया है तो खुद 9 हो गया होगा, 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, इस 9 ने एक दिया था तो ये 8 हो चुका है, 8 में 1 जाएगा 7 बचेगा। ठीक, तो इस तरह से आप कहेंगे 765 प्लस 630। ठीक है, तो 7 6 1300, 1395 कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पेज में हम इनका आंसर देखते हैं कि क्या आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा आपके लिए इसको मैं कर देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, हाँ ये उसी का आंसर है। देख सकते हैं यहाँ पर रश्मि का नाम लिखा है, 200 रुपये का सामान, क्लॉथ और ऊनी कपड़ा जो भी लिखा था सब 700 हुआ था, 700 का 10% मैंने घटाया था, 630 आया था पहला आंसर। ठीक है, लिख देंगे घटाया करके, फिर दूसरी तारीख में उसका नाम लिखेंगे, जो जो सामान खरीदा उसका लिस्ट नीचे, उसका अमाउंट यहाँ, टोटल 900 रुपये घटाया, व्यापारिक बट्टा 15% घटा दिया, लिख दिया इतना, टोटल आया था ना 1395, वही यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से तो बनाते हैं हम अपने क्वेश्चनों को, समझ में आया, काफ़ी सरल था। ठीक, सारे प्रश्न सरल हैं, बस आपको ध्यान देना है, अच्छे से प्रश्न पढ़ना है फिर बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या है, अगले प्रश्न में बोला है विक्रय बही बनाइए। अब यहाँ पर ये तीसरा नंबर का है, तो इसमें अलग क्या होगा, तो इसमें अलग ये होगा, यहाँ पर भी अलग अलग सामान खरीदेगा लेकिन प्रति दर्जन प्रति मूल्य देगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं था, दूसरे में बस जोड़ना ज़्यादा था, तीसरे में मल्टीप्लाई है और जोड़ना भी ज़्यादा रहेगा, तो हर क्वेश्चन लेवल अप होगा, तो तीसरा टॉपिक है। ठीक है, करना क्या है, 30 दर्जन दिए हैं 25 रुपये प्रति, तो 30 और 25 का गुणा करना है, तो गुणा कुछ यूँ कर सकते हैं आप, अच्छा कलर बदल दूँ क्या, ठीक अब देखना बच्चों, 30 और 25, 25 सुनम 0, 25 दिया 75 750 है ना, 25 दर्जन पेन खरीदा 6 रुपये प्रति पेन है ना, दर्जन में खरीदा तो ध्यान देना एक दर्जन में 12 होते हैं, कितने दर्जन खरीदा, 25 दर्जन खरीदा है ना, तो या तो आप 12 दर्जन का मूल निकाल लो, या तो फिर आप 12 से गुणा करके पेनों की संख्या जान लो, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। चलो मैं अगर एक पेन की कीमत 6 है तो 12 पेन की कीमत निकाल लेता हूँ,
12 छक्के 72, मतलब एक दर्जन की कीमत निकल गई 72 रुपये। अब आपके पास 25 दर्जन है तो आप दोनों को गुणा कर दीजिए, ठीक है। 25 दूनी 50 की 0, हासिल है 5। 25 सत्ते 175, 175 में 5 जोड़ेंगे 180, है ना, 1800 रुपये समथिंग निकलेगा। तो ये तो लगभग आपका आंसर है, अब देखते हैं आया क्या, ठीक है, नेक्स्ट पेज में। तब तक तुम अभी साइड हो जाओ बच्चा, छोटा कर लेते हैं तुम्हें, ठीक। तो ये बच्चों हमारा आंसर, ठीक है, इनको भी ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बस इतना ही बड़ा करेंगे जिसमें आपको आंसर समझ में आ जाए। प्रश्न भी क्योंकि थोड़ा बड़ा होना चाहिए, प्रश्न भी स्पष्ट दिखे, है ना, ठीक। ये रहा हमारा, ओहो, ये रहा हमारा प्रश्न, ठीक है। तो देखिए, 30 दर्जन पेंसिल है, 25 रुपये प्रति दर्जन, तो 30 दर्जन पेंसिल 25 रुपये प्रति दर्जन लिखा है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 750 आया। तीसरे का मैंने आपको 1800 बताया था, वो उतना ही आया है, दोनों को जोड़ने के बाद हुआ 2550, जिस पर छूट कितना है 10% व्यापारिक, तो 10% व्यापारिक घटाया, तो इस पर हमने घटा दिया 225, क्योंकि 10% कितना होगा 255 होगा ना, 255, ये घटाने के बाद आपका आया 2295, ठीक। अगला, ये वाला खत्म। अगला है, कृति स्टेशनरी शॉप नागपुर को बेचे, है ना, तो 10 ग्रूट्स रबड़, है ना, 10 रुपये प्रति, अब एक कुछ बराबर 12 दर्जन होते हैं, ये आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले एक ग्रूस में 12 दर्जन होता है तो आप अब पहले वो निकाल लोगे, क्योंकि प्रति दर्जन का मूल्य दिया है, 10 ग्रूस है ना, तो एक ग्रूस में 12 है तो 12 धाम 120 है, 120 का 10 से गुणा करेंगे तो 1200 रुपये निकलेगा, इसलिए यहाँ पर 1200 लिखा है, ठीक है। 120 दर्जन नोटबुक है, 12 रुपये प्रति दर्जन है, दोनों गुणा करेंगे 12 दूनी 24, 240 रुपये होगा, टोटल हुआ 1440। इसमें कोई भी छूट नहीं बोला है इस प्रश्न में, तो इसको डायरेक्ट हमने लिख दिया 1440 रुपये। तीसरा, यहाँ पर रिम कागज़ की बात हुई है जो कि 20 है, 70 रुपये प्रति, तो 70 सुनम 0, 70 दूनी 140 रुपये, तो ये 1400 रुपये होंगे जो इसको यहाँ पर लिख दिया है। 5 पैकेट 8 पेपर है, 100 कागज़ है, 10 पैसे प्रति कागज़ है ना, 10 पैसे में है, कितने कागज़ है आपके पास, 100 कागज़ है, पैकेट कितने हैं, 5 पैकेट है, मतलब प्रत्येक पैकेट में 100 कागज़ होंगे, तो आप इन दोनों का गुणा कर सकते हैं, तो 1000 आपके पास अमाउंट आएगा, कितना आएगा बच्चों, 1000 अमाउंट आएगा जो कि है पैसे में, रुपए में निकालना है किसी को तो 100 से भाग कर सकते हैं तो आपको 10 रुपये मिल जाएगा। अब कितने डब्बे हैं, 5 डब्बे हैं, तो 5 डब्बे का गुणा कर दो, 50 रुपये निकलेगा, इसलिए आपका यह 50 रुपये आया, ठीक है। तो यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये ग्रूस दर्जन इनको कन्वर्ट नहीं किया, इस तरह से कार्यविधि नहीं की, तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है और ऐसे अमाउंट आपको समझ नहीं आएंगे। तो जो प्रश्नों को मैं बता दूं कि ऐसे प्रश्न आपके लिए आईएमपी है, उनको आप कम से कम 2 बार बनाइए, तो इस प्रश्न को आईएमपी टिक लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जिसमें आप फंस सकते हैं ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। हर प्रश्न ऐसे कन्फ्यूजन भरे नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ प्रश्न ऐसा होता है जिसमें कार्यविधि ज़्यादा हो, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम थोड़ा टफ तो होगा ही, है ना, तो इस तरह से होता है, ठीक। तो अभी तक मैंने आपको जो समझाया उसमें आपको अगर जहाँ भी डाउट हुआ है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई मैं समझा रहा हूँ तो आपके डाउट क्लियर करने के लिए समझा रहा हूँ, और अगर उसमें मैं सफल होता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से फिर से समझाऊँ, ठीक है। तो आपका भी काम है पूछना, बिना पूछे ना आप क्लास में होशियार बन सकते हैं ना ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, 8वें नंबर का, जो कि यही था और मैंने उसको टच कर लिया, ये है 8वां प्रश्न, ठीक। ये उसका आंसर है बच्चों। ठीक, चलो दोनों समझते हैं। अब ये भी आपके लिए एमपी है, क्योंकि ये जीएसटी पर आधारित है, जीएसटी वाला ही समझना है, इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य होता है, तो आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है बिना स्किप किए वीडियो को, ठीक है, क्योंकि स्किप करोगे फिर ये भूल जाओगे, कॉलम बहुत ज़्यादा है। देखो कॉलम कितने हैं, दिनांक है, पर्टिकुलर है, LF है, ठीक है, NOC नंबर है, यहाँ पर टोटल अमाउंट है जिसको आप विस्तार वाला बोलते हैं, डिटेल अमाउंट है ना, यहाँ पर आपको कॉस्ट लिखना है, फिर CGST, फिर SGST, फिर IGST, फिर कोई भी भाड़ा है वो रहेगा, फिर यहाँ पर टोटल अमाउंट मतलब योग रहता है। तो ये पूरा लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कॉलम होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखना है चलिए आपको डिटेल से बताता हूँ।
तो सबसे पहले पहला प्रश्न पढ़ते हैं, मिसेस गायत्री की भोपाल को माल बेचा, बीजक नंबर है 205, बीजक नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या बोला है, 3 बॉक्स चाय की दर 5,000 रुपये प्रति बॉक्स, तो 5 या 15,000 रुपये की चाय खरीद लिया समझ लो, तो आप लिखोगे 3 बॉक्स चाय 15,000 रुपये पर बॉक्स, तो यहाँ पर टोटल हो गया 15,000 रुपये, ठीक है। उसी तरह से उस पर बोला है छूट 5%, तो आपका काम यह है कि आप पहले व्यापारिक बट्टा घटाएंगे, जैसे हर प्रश्न में घटाते थे, तो 5,000 का 5% होगा 750, घटाने के बाद आपका आया 14,250। जीएसटी किस दर से लगाना है, तो बोला है 12% IGST लगाना है, तो फिर आप इसका 12% निकालेंगे, 12% निकालेंगे जो निकलेगा 17 तो 10, आप कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप कार्यविधि करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, कार्यविधि बड़ा सिंपल है, 14,250 है जिस पर आप करना है 12%, तो आप 12/100 करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 2 छक्के 12, 2 5 से 10 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 4 बचा, 5 8 40 हुआ, 2 बचा, 5 5 25 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर 6 बचा हुआ है, 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 5 30 की 0 हासिल है 3, 8 6 48, 48 48 3 45 की 5, नहीं 51 होगा, 51 की 1 हासिल आई 5, 6 दूनी 12 और 5 17, है ना, तो ये 1710 जो निकला था वो आपको समझ में आया, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से आप 12% निकाल सकते हैं बेसिक तरीके से, तो फिर मतलब कोई भी परसेंट निकाल सकते हैं, यही तरीका होता है एक एक करके काटने का। काटने में अगर आपने गलती की तब आपका आंसर नहीं आएगा। तो समझ आ गया, ये टोटल राशि 3 बॉक्स का 15,000, जिस पर व्यापारी को 5% घटाया, घटाने के बाद जो आता है उस पर आपको 12% जीएसटी जोड़ना होता है। याद रखिए जीएसटी कभी घटता नहीं है, जुड़ता है। तो जीएसटी जुड़ गया 12%, इतना जोड़ने के बाद दोनों का हो गया 15,960 रुपये, हमने लिखा 15,960 रुपये, जिसको अब टोटल अमाउंट आ गया इसका जो पे करना है ना, या जो बेच रहे हैं वो हमें देगा। अब हम अलग अलग उसको दर्शाएंगे ना, टोटल अमाउंट में क्या क्या शामिल है, हम बोलेंगे लागत आपका सिर्फ 14,250 है, जिस पर IGST लगा है 1710, इस तरह से आपका टोटल अमाउंट होता है 15,960 रुपये, ठीक। ऐसे ही सब में करना है। अगला देखो, 4 तारीख में मेसर्स मोहन एंड सन्स रायपुर को उधार माल बेचा 206 रुपये, है ना, सॉरी 206 बीजक क्रमांक है, 20 kg अमूल बटर 250 रुपये प्रति किलोग्राम, है ना, दोनों का गुणा करेंगे तो 20 और 250 का गुणा करेंगे तो आपका 5,000 रुपये निकला। इसमें से फिर आप तुरंत अपना 5% बारीक गट्टा घटाएंगे तो 5,000 का आएगा 250 रुपये, घटने के बाद आपका आया 4,750 रुपये। इस पर हमने GST लगाया, सी और एस दोनों 6-6%, है ना, दोनों ही दरें लगेंगी जब सी और एस लगता है, तो दोनों हमने निकाला 285 285, निकालने के बाद इनको जोड़ेंगे क्योंकि जीएसटी जुड़ता है, टोटल आपका अमाउंट हुआ 5,320 रुपये। अब यही टोटल आपको अलग अलग यहाँ शो करना है कि इनमें से लागत कितना है, तो कॉस्ट है आपका सिर्फ 4,750 रुपये, जीएसटी है सी का 285, एस का है 285, टोटल आपका अमाउंट फिर हुआ 5,320 रुपये। अगला है आपका, मैसर्स गौरी एंड सन्स दिल्ली को उधार माल बेचा, जिसमें 20 किलोग्राम असम टी थी, 600 रुपये प्रति किलोग्राम था, तो 20 और 600 का गुणा करेंगे तो आपका 1,200 रुपये निकलेगा, जो कि आपको यहाँ उनका नाम लिखना है, तारीख लिखना है, फिर यहाँ आप नीचे में बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें खरीदा, टोटल अमाउंट कितना आया, फिर आप घटाएंगे उस पर व्यापारिक बट्टा जो कि 5% बोला है, तो इसका 5% होगा 600 रुपये, घटने के बाद आया 11,400 रुपये। इस पर GST लगाना है 12% बोला है ना IGST, तो 11,400 का 12% होगा 13,368, जो कि आप कार्यविधि करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर फिर जोड़ने के बाद आपका हुआ इतना, इसमें और क्या जुड़ा है, तो ये भाड़ा होता है या पैकिंग वे होते हैं, जो कि आपको बोला है पैकिंग वे कितना है, 1,600 रुपये का पैकिंग वे हुआ है, ठीक है। तो पैकिंग वे जोड़ना होता है क्योंकि बेचने वाला समस्त खर्चों को उसमें ऐड कर देता है, तो इस तरह से टोटल लागत हुआ 14,368 रुपये, ठीक है। आप बताएंगे अलग अलग करके कि इसमें से कॉस्ट कितना है 11,400, IGST कितना है 1,368, भाड़ा कितना है या पैकिंग कितने हैं 1,600 रुपये, तो इस तरह से आपका टोटल हुआ 14,368 रुपये, ठीक है। फिर आप कॉस्ट को टोटल कर सकते हैं, GST को कर सकते हैं, टोटल को टोटल कर सकते हैं, फिर ये आपका आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक का जो हमने चारों पढ़ लिया, यही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बही में। अब हम कल से पढ़ेंगे हमारा क्रय वापसी, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी तक के जितने भी टॉपिक हमने कवर किए उसमें आपको जहाँ भी डाउट होता है आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो उधार लेन देन की बही का ये पार्ट 2 था, अभी
पार्ट 3 पार्ट 4 ये बचा हुआ है, तो इसमें भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक टॉपिक का वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और आप अपडेट रहें या आप नोट्स बना रहे होंगे, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि वो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।